हर साल की तरह इस साल भी नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में कार्यरत सदा सुरक्षा गार्ड्स ने अपने स्वयं के खर्च से निगम में आने जाने वाले लोगों के लिए शीतल जल के पियाव की व्यवस्था की है। भीषण बढ़ती हुई गर्मी की वजह से नगर पालिक निगम भिलाई अपने काम से आए हुए लोगों को शीतल जल के लिए परेशान होना पड़ता था, जिसे देखते हुए निगम भिलाई के मुख्य द्वार पर निगम भिलाई में कार्यरत सुरक्षा गार्ड्स द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से शीतल जल के पियाव की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कुछ मटके व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं और इसके साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखते हुए नियमित पानी भरा जाता है और यह शीतल जल निगम आए हुए लोगों के सूखे कंठ को तर करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस पियाव की व्यवस्था प्रतिवर्ष निगम भिलाई में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है। निगम आए लोगों के अलावा इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर भी इस पियाव का लाभ उठाते नजर आते हैं। निगम प्रशासन ने भी इन सुरक्षा कर्मियों के प्रयास की सराहना दिल से की है और सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा होने की वजह से हम भी कुछ सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं। भैया बताएंगे, निगम के द्वार पर शीतल जल के लिए व्यवस्था की गई है। साडा सुरक्षा गार्ड एक समिति है जो साडा की संपत्तियों को परिसंपत्तियों की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाते हैं और ये निगम के मुख्य गेट में आए दिन क्योंकि धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और उसमें लोग बहुत दूर दूर से जन सामान्य भी महिलाएं पुरुष सब आते रहते हैं अपने काम के लिए। ऐसे लोगों को प्यास बुझाने के लिए गर्मी में प्रतिवर्ष ये साडा सुरक्षा समिति जो है ये यहाँ पियाव की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत अच्छा मानवीय कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इनको ये अपने स्वयं के व्यय से सारा व्यवस्था करते हैं और जल भी लोगों को पिलाते हैं। ये बहुत बधाई के पात्र हैं साडा सुरक्षा समिति के लोग। इनके इस कार्य को मैं लगातार प्रतिवर्ष देखता हूँ। इस वर्ष भी ये व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नाम बताएंगे भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार साहू है। मनोज जी, आप यहाँ भिलाई निगम में सुरक्षा गार्ड का काम करते हो और देखा जाता है कि हर साल जो है निगम गेट पर आप लोगों के द्वारा जो है पियाव बनाया जाता है, बताएंगे क्या उद्देश्य है इसका, क्यों ऐसा करते हैं? यहाँ पर हम लोग हर साल से पियाव इसलिए बनाते हैं क्योंकि देख रहे हो धूप अभी कितना पड़ रहा है, इससे क्या पब्लिक आने जाने वाले, अंदर में फ्रीजर लगा हुआ है, अंदर में पब्लिक पहुँच नहीं पाते। इस वजह से हम लोगों ने चंदा करके पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर मक्का और छोटा सा प्याऊ खोले हैं ताकि पब्लिक आने जाने वाले लोग अपना प्याज बुझा सके और बैठ के बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सा आराम करें और पानी पी के जा सके। सुना है मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा पुण्य का काम करके लोगों को पानी पिला रहे हैं। निगम भिलाई के सुरक्षा कर्मियों द्वारा स्वयं के खर्चे पर आगंतुकों के सूखे कंठ को तर करने के प्रयास की सराहना पूरा भिलाई शहर कर रहा है। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।